ए कपू शर्मा, तुम क्यों खड़ा हो गया यार? तुम्हारा खड़ा हो सकता है ऊपर, तो हमारा खड़ा। मेरे को रिस्पेक्ट दे रहा है यार, और बनता भी है। मेरे को सब में यकीन ना हो रहा, आई डोंट बिलीव दिस। मतलब बैड बॉय बादशाह सोनाक्षी सिन्हा, इतना बड़ा बंगला, बड़ा गाड़ी वाला लोग तुम्हारा इधर आता है यार कपूर शर्मा? कुछ तो बात होगा यार तुम्हें। ए काम करो यार, मेरा इनसे वो कराओ ना, वो क्या बोलता है यार उसको, वो जो एग्जाम में जब चीटिंग करता है, पेपर पे लिख के लेके जाता है, वो क्या होता है? पर्ची। हाँ, मेरा इनसे पर्ची कराओ ना। अबे पर्ची नहीं, परिचय। तुम्हें ज्ञान क्यों पेल रहा है, करा दो ना यार। बादशाह, जैसे आप डीजे वाले बाबू है, ये पीजे वाला बाबू है। ये तो तुम मेरा परिचय का दुर्गति निकाल दिया यार। आप रहने दो, मैं खुद करेगा। सर, मैम, मैं अक्षय यादव है, मैं बच्चा यादव इधर एक है पहला, मैं उसका भाई, अब मैं लंदन से आए है। लंदन से आए हैं, तो आपका अमेरिकन एक्सेंट क्यों है? मैं, इट्स नॉट लाइक दैट। I got English also. Yeah. Thank you. Yeah. So now what है कि मैं आपका फिल्म का ट्रेलर देखे, आप उसमें डॉक्टर है? Kind of. Yes. मैं बताता हूँ मेरे को प्रॉब्लम क्या है मैम। क्या होता है, मैं जब भी धूप में बाहर जाता है ना, मैं लीक करता है। सही? नहीं, धूप में खड़ा रहता है मैं, तो पूरा इधर बॉडी बॉडी में पानी पानी लीक करता है। मैं बोल, लीक नहीं करता है, पसीना आ रहा है आपको। पसीना कहते हैं, नॉर्मल होता है बिल्कुल। पसीना। और मैं आज तक सोचता रहा कि मैं पंचर हो गया है। वैसे मैं सोनाक्षी जी, साउथ इंडिया में आपका एक फिल्म आया था लिंगा बोल के, आज का दिन में आपको शायद पता नहीं होगा, आज का दिन वो श्रीलंका में रिलीज हुआ है, लेकिन वो लोग नाम चेंज किया, वो लोग मलिंगा रख दिया। ये तो कुछ भी ना है, शुक्र मनाइए कि आज रिलीज हुआ, कल होता तो कलिंगा रख देते। हम सब कलिंगा कैच कैच के खाते। अच्छा, गेस्ट से ऐसे बात करते हैं? तुम्हारे लिए गेस्ट होगा यार, मेरे लिए मित्रू जी का बेटे आए है। मित्रू जी का नहीं, शत्रु जी का। तुम्हारे लिए शत्रु जी है, मेरे लिए मित्रू जी है यार वो। मेरे से जब भी मिलता है वो, उनका बदायूं का लल्ला निकल जाता है। और मैं, अर्चना जी, आपके बारे में भी वो पूछ रहे थे। अच्छा, क्या पूछ रहे थे? पूछ रहे थे वो चापड़कंज जी कैसी आए। ऐसा वो पूछ रहे, पूछ रहे थे आपके। झूठ बोल रहा, तू बड़ा जानता है शत्रुजी को। बहुत अच्छी तरह, जब भी मित्रू जी लंदन आते हैं, मैं उनके घर पर ही रुकता है। तो बेवकूफ है, वो लंदन जाएंगे तो तेरे घर में रुकेंगे ना। नहीं, मेरे घर कैसे रुकेगा, मैं तो ब्रिजवासी है ना। अच्छा, मथुरा में रहते हो? नहीं नहीं, मैं लंदन ब्रिज का नीचे रहता है। लेकिन मैं जब भी मित्रू जी आता है, मैं उनके घर पे रुकता है। जब भी कभी शिल्पा शेट्टी लंदन आता है, मैं उनके घर पे रुकता है। तुम भी आओ यार लंदन, मैं तुम्हारे घर पे रुकेगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ, मैं इतना सारा रुकेगा तो मैं चलेगा कब? वैसा, लेकिन बादशाह जी, आपसे एक सवाल था। सवाल था, मैं पूछना चाह रहा है कि आप अपने माता पिता का दूसरा बच्चा है ना? क्यों? क्योंकि पहला शाह होगा, उसके बाद ही तो बादशाह होगा। बादशाह। लेकिन सच में सर, आप शाह है, आप शाह है, लेकिन फिर भी बिल्कुल गुजराती लगता नहीं है। हर शाह गुजराती थोड़ी होता है। वो तो मेरे को मालूम है, हर शाह गुजराती नहीं होता, हर शाह तो बोगले होता है। लेकिन सर, मैं आपको बता रहा है, मैं आपका फिल्म देखा बादशाह, मेरा अचंबा निकल गया यार देख के। मैं हूं नहीं उसमें। नहीं नहीं, और इंटरवल के बाद तो मेरा भौचक्का निकल गया। और धीरे धीरे पूरा फिल्म निकल गया। पर आप आया है ना ये फिल्म में? वो इनकी फिल्म नहीं है, वो बादशाह शाहरुख खान की। शाहरुख खान, शाहरुख। अभी तुम ये बोलना नहीं कि वो भी गुजराती नहीं है शाह। नहीं है, वो गुजराती नहीं है। तुम तो अभी बोल देगा नसरुद्दीन शाह भी गुजराती नहीं है। तो नहीं है, ये सब शाह लोग गुजरात क्यों छोड़ दिया है? ये चल क्यों रहा है? ए, अच्छा, क्या फालतू बातें कर रहा है? मैं बहुत बिजी आदमी है यार, फालतू बात करने का टाइम है नहीं मेरे पास। देखो, मेरा फोन भी बज रहा है, एक मिनट रुको।
ये देखो पिटबुल का फोन आ रहा है अमेरिका से. पिटबुल. एक मिनट. हाँ पिट बो. अरे बोलना यार मैं सुन रहा है. बुल तुम्हारा बुल में दर्द हो रहा है. बुल को दर्द हो रहा है. तुम एक काम करो बादशाह जी का एक गाना आई लव की ब्यूटीफुल कर गई चुल वो उनको सुनाओ. हो सकता है तुम्हारा बुल को चुल से प्यार हो जाए. फिर तुम्हारा घर में चुलबुल होगा. फिर किधर से तुम अपने घर में एक पांडे लेके आ जाना. फिर तुम्हारा घर में चुलबुल पांडे होगा. फिर तुम्हारा घर में दबंग होगा. फिर जिंदगी भर हुड़ 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 तुम करते रहना ठीक है. ये बात भी ठीक है. वैसे भी और मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता है पेट भूल जाऊं मुझे. समझा. चलो मैं फोन काट रहा हूं. अच्छा करने के आया तू इधर. मैं सर आपको बता रहा मैं जिधर से है लंदन से उधर का जो क्वीन है रानी एलिजाबेथ वो बैठ बैठ के थक गया है. उनको अपना लाइफ में कुछ रोमांस चाहिए. तो मैं बादशाह जी आपके लिए मैं अपना रानी का वो क्या है वो क्या क्या बोलता है यार जिसके बाद लड़का लड़की अपने आप को कमरा में बंद कर देता है कुंडी लगा देता है दूध वूध पीता है और अंदर किसी को आने नहीं देता है. शादी शादी मैं शादी का रिश्ता आपके लिए क्वीन का शादी का रिश्ता लेके आया है. She's दादी, not शादी. वो आपका दीवानी है. आपके कहने पे तो वो भैंस भी चढ़ाती है. भैंस क्यों क्यों क्योंकि उनको डांस नहीं आता है ना. और ये बोले जिनको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चढ़ाए. और आपके कहने पे वो रोज अकड़ बकड़ भी करता है. रोज करता है. इतना अकड़ बकड़ उन्हें किया है कि अब तो उनका बकड़ सूझ गया है. वो दीवाना है आपकी. एक बार आप उनसे शादी कर लिया ना फिर आपको हनीमून का भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. क्यों वो पहले ही 3-4 बार जा चुकी है. उनको आता है. तो बताइए आपकी तरफ से ये रिश्ता मैं ये एक कपड़ा को ऐसा फोल्ड करते क्या बोलते उसको तय समझू. नहीं आप अपना टाइम लो कोई टेंशन ना है. देखो कपड़ा तय करने में इतना टाइम लगता है आपको तो पूरा जीवन तय करने का है. टेक योर टाइम. बट सोनाक्षी जी मैं आपको भी मायूस ना करेगा. मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ. मैं आपके लिए एक कमाल का NRI लड़का का रिश्ता लाया है. कहाँ है लड़का. तुम पीछे देखो पीछे तो देखो पीछे देखो. इधर है. तुम पीछे देखते रहो यार लड़का इधर है. मैं आपको बता रहा हूँ तुम लोग क्या चिल्ला रहे हो मेरे इतने बुरे दिन आ गए. लेकिन आप भी अपना टाइम लो. मैं किसी को फोर्स नहीं करेगा. टाइम ले लाइफ का डिसीजन है. आप क्वीन के बारे में सोचो. आप मेरे बारे में सोच सकते हैं तो सोचो. तेरे लिए मैंने एक चीज मंगवाई है. क्या धक्के खाएगा. लेकिन मैं जाने से पहले आपको बताएं लंदन में मेरा प्रोफेशन आई एम जोशी टी देयर. जोशी टी. जोशी टी नहीं ज्योतिषी. हाँ वही वही फ्यूचर बताता है. फ्यूचर मैं तो अभी वर्ल्ड कप चालू हुआ ना. चालू होने के पहले मैं बोला कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा. लेकिन इंडिया जीता नहीं. देखो मेरा काम बताना है जीतना उनका काम. नहीं लेकिन मैं सीरियसली आपको बताया. आपको बुमराह मालूम है. बुमराह. हाँ. मेरे से मिलने से पहले वो सिर्फ बूम था. उसको राह मैंने दिखाया. तब जाके वो बुमराह बना है. सर मैं हाथ देखेगा आपको भविष्य बताएगा. क्या भविष्य बताएगा. मैं क्या आपका हाथ देख एक ए, मैं पहला ये इनका मेरे को हाथ मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है. हाथ दिखाओ. ए ब्रो तुम्हारा तो 5 उंगली है. तो 5